हम पढ़ रहे हैं अभी शेप एंड साइज ऑफ सेल। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अलग अलग टाइप की सेल्स मिलती हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग सेल्स मिलती हैं। जो सेल्स हैं उनकी शेप या साइज डिपेंड करता है कि उनका काम क्या है। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज विच डिपेंड ऑन द एक्टिविटी दे परफॉर्म। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, ये बाइकॉनकेव होती है, यानी कि ये कुछ इस तरह से होती है, बाइकॉनकेव, दोनों साइड से कॉनकेव। ठीक है, ये बल्कि ऐसे ना कह के हम, ये ऐसे आती हैं, इधर भी ऐसे, मतलब दोनों साइड ना कर्व बने होते हैं। क्यों बने होते हैं कर्व? क्यों? क्योंकि बाइकॉनकेव है, इसे बाइकॉनकेव कहते हैं अगर दोनों साइड से कर्व बने होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे कि मिनिमम एरिया कवर करें। अगर मान लो फूली हुई होगी इस तरह से, तो एरिया क्या होगा? ज़्यादा कवर करेगी। बाइकॉनकेव होगी तो क्या होगा? कम एरिया कवर करेगी। ठीक है, और अगर कम एरिया कवर करेगी तो जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, नैरो ब्लड वेसल्स, उसमें से ज़्यादा सेल्स मूव कर सकती हैं। आर बाइकॉनकेव इन शेप टू कवर मिनिमम एरिया सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स कैन मूव अक्रॉस नैरो ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती फिक्स? क्योंकि इन्हें अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करना होता है। तो दे आर कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, इन्हें फाइट करनी होती है। तो भाई हमारी बॉडी में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है वो पता नहीं कौन सा है, अलग अलग तरह के, तो इसलिए इनकी सेल्स भी, इनकी जो शेप होती है वो अलग अलग तरह की होती है। डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप और साइज बिकॉज दे नीड टू चेंज देयर शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही तुमने सुना होगा नर्व सेल्स, नर्व सेल्स, इनका काम क्या होता है? मैसेज को ट्रांसमिट करना। क्या करती है? ट्रांसमिट मैसेजेस। हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफर करने का काम इनका होता है। तो ये क्या होती है? लंबी लंबी सी सेल्स होती है। नर्व सेल का डायग्राम बनाया होगा तुमने, तो देखो तीन अलग अलग तरह की सेल्स हैं। इनके काम की वजह से इनके शेप और साइज क्या है, अलग अलग है। ठीक है,